नमस्कार दोस्तों वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो के अंदर कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमारे फोर्टीनथ न्यू कैग का अपॉइंटमेंट हुआ है जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मुर और ये जे एंड के यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल के तहत ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग का ऑफिस आता है तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल वन अब आपको जो बचे हुए तीन आर्टिकल हैं इनके बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखना है मैं आपको एक आर्टिकल के बारे में और बता देता हूँ आर्टिकल टू के अंडर कॉन्सोलडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया आता है ठीक है अब इसकी डिटेल भी बताना मेरे को कि कॉन्सोलडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया क्या होता है क्योंकि जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि कितना भी आपको कोई स्पून फीडिंग करेगा लेकिन आपको ख़ुद को जब तक प्रैक्टिस नहीं करनी आएगी तब तक आप अच्छे से सक्सेस नहीं मिलेगी एग्जाम में चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन आपके सामने हैं ठीक है थीके? अगर आपको राइट right आंसर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो ठीक है नहीं तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ सिक्स ईयर्स और एज ऑफ सिक्सटी फाइव जो भी इनमें से कम होगा यानी अगर सिक्सटी फाइव का वो बंदा हुआ नहीं है जो कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है लेकिन उसके सिक्स ईयर पूरे हो चुके हैं तो वो रिटायर होगा और सिक्स ईयर अगर पूरे नहीं हुए लेकिन सिक्सटी फाइव ईयर्स का हो गया है तो भी वो रिटायर होगा चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हु कंडक्ट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया योर ऑप्शन आर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया द राइट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉरपोरेशंस इज़ फुल्ली ऑडिटेड बाई कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी ये जो ऑप्शन दिए हैं आपको इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वो कॉरपोरेशन है जिसको कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही ऑडिट करते हैं उनके अकाउंट्स को जो भी रिसीट होती हैं जितना भी पेमेंट्स हुआ है रेवेन्यू जनरेट हुआ है सबको वही ऑडिट करते हैं तो इसका राइट आंसर है एयर इंडिया अगर आपको डिटेल के अंदर कॉम्पोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जान सकते हैं क्योंकि मैंने सारे बिल्कुल बेसिक तरीके से पॉइंट क्लियर किए हैं पाँच छः मिनट की वीडियो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर अपॉइंटमेंट की एज के रिलेटेड भी जानना है तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है कि किसकी मैक्सिमम एज चाहिए किसकी मिनिमम एज चाहिए किसी चीज़ के अपॉइंटमेंट के लिए तो वो आप वीडियो देखना ना भूलें ठीक है अगला क्वेश्चन है अपना

पहला स्टेटमेंट है अपना नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट द कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ठीक है अगला अपना स्टेटमेंट है द कम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन रिमेन इन ऑफिस टिल एज ऑफ सिक्सटी टू ईयर्स पहले ही अपन ने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया एज सिक्सटी फाइव होनी चाहिए और मिनिमम सिक्स ईयर का टेन्योर ठीक है अगला है ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गलत है प्रेसिडेंट इसको रिमूव कर सकता है ठीक है ही वर्कस अप टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं ये बिल्कुल गलत बात है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस इंडिपेंडेंट होता है ठीक है अगला अपना क्वेश्चन है हाउ कैन द कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट मैंने उस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्रिस्टनल क्लियर बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके सेम प्रोसीजर जो होता है रिमूवल का उसी के ही तरीके से इसको भी रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से तो इसके अंदर कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको हाईकोर्ट का भी दे रखा है तो आप कन्फ्यूज मत होना सही आंसर मार्क करके आना अपना अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है पहला अपना स्टेटमेंट है ही सबमिट्स द रिपोर्ट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी रिपोर्ट होती है ऑडिट्स की रिपोर्ट ठीक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के अंदर सबमिट करते हैं ही प्रोटेक्ट्स द कॉन्सोल्टेटेड फंड ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है आर्टिकल 266 के अंदर कॉन्सोल्टेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है उसको प्रोटेक्ट करता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला जाता है इसको और फ्रेंड फिलोसफर भी बोला जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ठीक है वो उस वीडियो के अंदर आपको क्रिस्टल एंड क्लियर समझ में आएगा तो आप वो वीडियो देखना मत भूलना ही सबमिट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू द ऑफ इंडिया ये बिल्कुल गलत बात है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो गवर्नर को सबमिट करता है गवर्नर उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सबमिट करते हैं ठीक है थीके? अगला ऑप्शन है ही ऑडिट्स ऑल द इंस्टीट्यूशंस विच रिसीव फंड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बिल्कुल सही बात है ठीक है तो क्वेश्चन के अंदर नोट पूछा गया नोट वर्क ऑफ कंप्टोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया तो सही आंसर है इसका कि वो सी ऑप्शन ठीक है स्टेट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नर को सबमिट करता है ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना अगला क्वेश्चन है हु डिटरमाइंस द सैलरी अलाउंसेज एंड अदर टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपके ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट तो इसका सही आंसर है पार्लियामेंट ठीक है अपना अगला क्वेश्चन है द कॉम्पोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैव ऑथोटी टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ पहला ऑप्शन है कॉन्सोलटेड फंड ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है द एकटेड फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल सही बात है ईच यूनियन टेरेटरी विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल सही बात है तो इसका ऑप्शन बच गया ऑल ऑफ द अबो ठीक है दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछती है यू और डाउट्स क्लियर करने के लिए आप और भी वीडियोस देख सकते हैं मैंने रिलेटेड हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है सो इन दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इम्प्रूविंग योर नॉलेज आई होप ए ग्रेट सक्सेस इन योर अपकमिंग एग्जाम्स थैंक्स ए लोट